नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर पिता का साथ होना तो जिद भी पूरा होता है। अगर पिता का साथ होता है, भले पिता कितना भी गरीब क्यों ना हो, अपने बच्चों का विश पूरा करने के लिए वो हर एक काम करता है जो वो नहीं करना चाहता है। और एक समय लाइफ में ऐसा आएगा, आप कितना भी अमीर बन जाओ, कितना भी करोड़पति बन जाओ, लेकिन जिस दिन पापा नहीं रहेंगे ना, तो ऐसा लगेगा आपके सर से कुछ छत छीन गया है। सच्चाई आप फील करिएगा इस बात को। पर जो भी नए है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और एक बात, अभी जो है सक्सेस की 98 का जो एप्लीकेशन है ना, वहां पर जो रेट है अभी आपको 349 पर मिल रहा था, लेकिन वहां पर अभी दाम जो है वो आज शाम तक कम कर दिया जाएगा होली स्पेशल बोलकर, ताकि जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो कम रेट पर जो है वो किन पाए। तो मैं इसका जो भी आपका जानकारी है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और एक बात, आज कवर करने वाले हैं हम सभी 7 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। आज सुबह क्लास नहीं आया था, सुबह में 4:30 बजे, आप सभी को पता है, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा। और एक बात, कल संडे है ना, तो कल शाम को 6 बजे, मैं पहले भी बता चुका हूं, जितना भी जीके जीएस और करेंट अफेयर का क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में आया है वह क्वेश्चन कल शाम को 6 बजे मैं आप सभी को करा दूंगा विथ पीडीएफ। तो देखते हैं 7 मार्च का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वह यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया है। तो यह पाकिस्तान को शामिल किया गया है अभी, हालांकि पाकिस्तान पहले था, अभी जो है बहुत दिन से बात चल रहा था कि इसमें से पाकिस्तान को हटाया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को बनाए रखने का फैसला किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत ने किस देश के साथ संपत्ति श्रमिकों के लिए जो है वो प्लांटेशन बोलते हैं ना, पौधा लगाने के स्कूल में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए एक समझौते पर जो है वो डील साइन किया गया। किसके साथ? श्रीलंका के साथ डील साइन किया गया इस चीज के लिए, ठीक है। और एक बात, आप सभी को मैंने बताया था ना, श्रीलंका का विधानसभा जो है वो भंग कर दिया गया है और 25 अप्रैल को जो है वहां पर फिर से चुनाव होने वाला है। इसीलिए मैंने यहां पर प्रधानमंत्री का नाम जो है वो मेंशन नहीं किया है, महिंदा राजापक्सा, ठीक है, क्योंकि वहां का विधानसभा जो है वो भंग कर दिया गया है और 25 अप्रैल को फिर से चुनाव है। और लेकिन करेंसी क्या है श्रीलंका का? तो श्रीलंकन रूपी राजधानी, तो वहां का राजधानी है श्री जयवर्धने पूरी कोटे, और राष्ट्रपति कौन है? तो गोटाबाया राजापक्सा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बांग्लादेश ने भाषा शहीद दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है, वहां पर आपको यह बताना है, जो भाषा आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देता है। आपको मैं बता दूं एक बात कि वहां के जो शहीद थे जिनका नाम था आपका अमर एकुसी, उनके रूप में जो है ये मनाया जाता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात, लैंग्वेज मार्टियर्स डे, और एक बात, इनको जो है ना वो शहीद दिवस भी बोलते हैं बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के पीएम का नाम सभी को पता है, शेख हसीना नाम है, कैपिटल ढाका, और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो है आपका टाका। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मार्च में यानी इसी बार 2020 में ना मिस्र यानी कि इजिप्ट में नील के त्योहार द्वारा भारत जो ये त्योहार जो है वो आयोजन किया जाएगा, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी ये आपको बताना है। और इसकी मेजबानी वहां पर, इसका पूरा आयोजन, पूरा समारोह का देखभाल कौन करेगा? तो टीम वर्क आर्ट्स, ऑप्शन नंबर आपका डी। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है कि मिस्र यानी इजिप्ट का मुद्रा, इजिप्ट का राजधानी और इजिप्ट के राष्ट्रपति का नाम, ये तीन चीज इजिप्ट के बारे में आप सभी को कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अशोक चटर्जी बहुत फेमस है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वह एक फुटबॉलर थे, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, और यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्क्वैट्स मशीन जारी किया गया है, अभी जो टोटल स्क्वैट्स मशीन है ना वो टोटल 30 उपलब्ध है,
ठीक है, कहां पर उपलब्ध है भैया, यही आपको बताना है, कौन से रेलवे स्टेशन पर यह उपलब्ध है। तो पहले आप यह सुन लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप कभी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो पहले आप ट्रेन पर चढ़ो मत चढ़ो, कहीं जाओ या मत जाओ, प्लेटफॉर्म टिकट भी लगता है, ये आप सभी को पता होगा ना। अब बहुत जन को पता नहीं है तो टीटी कम से कम आपको धर लेगा, प्लेटफॉर्म टिकट भी लगता है। तो अभी जो है उस स्टेशन पर जो है वो 30 स्क्वैट मशीन जो है वो अवेलेबल है, ऐसा 30 मशीन अवेलेबल है जिसके सहायता से आपको मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट जो है दिया जाएगा। आपको बताना है ऐसा सुविधा किस रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है। तो दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यह जो सुविधा है वो उपलब्ध है। और दिल्ली के सीएम सभी को पता है अरविंद केजरीवाल, और उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजाल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ने 2019 और 20 में भारत की जीडीपी वृद्धि को कितना प्रतिशत तक आका है, यानी प्रिडिक्शन किया है, अनुमानित लगाया गया है। और आप सभी को पता है जितने भी एजेंसी है जो जीडीपी वगैरह प्रिडिक्ट करती है, अनुमान लगाती है, वो भारत के लिए सब अपना रेटिंग अप कम कर रहा है, क्योंकि भारत का अर्थव्यवस्था को देखते हुए अभी यस बैंक जो है वो एनपीए के कगार पर खड़ा है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो कितना होगा, 4.9% जो है वो प्रिडिक्ट किया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने भावी कृषि पद्धतियों को पूरा करने के लिए कृषि महाकुंभ का आयोजन किया गया है, और यह रायपुर में किया गया है। और रायपुर कहां का राजधानी है, तो छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, अनसुईया उके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और राज्यपाल कौन है, राजधानी क्या है वहां का, तो वो है आपका रायपुर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दूर संचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने भारतीय एयरटेल, जिनके चेयरपर्सन कौन है, सुनील भारती मिट्टल, भारतीय एयरटेल के साथ किस कंपनी के विलय यानी मर्जर को मंजूरी दे दी है। तो अब जो है भारतीय एयरटेल जो है वो इंडस टावर के साथ जो है वो मर्ज होने जा रही है, और इसका परमिशन मिल चुका है दूर संचार विभाग द्वारा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय रेलवे ने किस भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए ऑनलाइन चैट बॉक्स जारी किया है, उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है आपका अस्क दिशा। ठीक है, और एक बात, यह जो है इंडिया, कोई भी अगर मान लो ना जो ग्राहक है वो कोई भी लैंग्वेज अगर बोले, इसका पूरा अनुवाद किस लैंग्वेज में किया जाएगा, तो हिंदी में, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला, और हां एक बात और, रेल मंत्री कौन है ये तो सभी को पता है, पीयूष गोयल। रेल चेयरपर्सन कौन है, रेलवे का चेयरमैन कौन है, विनोद कुमार यादव, यह भी याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय रेलवे, आप सभी देख पा रहे होंगे भैया आज रेलवे से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन भर भर कर आ रहा है करंट अफेयर में, बिल्कुल क्या बोल रहा है, भारतीय रेलवे ने कर्मचारियों को उनकी सेवा से संबंधित जितने भी डाटा देखना और प्रशासन के साथ संवाद करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है, यानी जो भी रेलवे इंप्लॉय है ना वो उनका जितना भी डाटा है, जितना भी रिकॉर्ड है, वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से वो देख सकते हैं और अपनी बातचीत जो है वो रेलवे के द्वारा कंप्लेन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो कौन सा एप्लीकेशन जारी किया गया है, तो HRMS, ऑप्शन नंबर आपका सी। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी आप याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है, यह आपको बताना है। और चुना गया है आपका राज लक्ष्मी डीओ को, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस फाउंडेशन ने स्थायी खाद्य प्राणियों की दिशा में समाधान लाने के लिए न्यू फूड प्लैनेट प्राइस के नाम से जो है वो दो, यानी दो मतलब अमाउंट दो नहीं, दो यूएसडी वन मिलियन पुरस्कार बनाए हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन के द्वारा, तो जो स्वीडन का है। ये फाउंडेशन कहां का है, तो ये फाउंडेशन है भैया आपका स्वीडन का, ये भी आप सभी याद रखिएगा।
तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 7 मार्च का। इसका पूरा पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर आप सभी जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं। ठीक है, चलिए।